इंग्लैंड में चल रही काउंटी चैंपियनशिप की डिवीज़न एक में केंट की टीम ने डेनियल बेलड्रम के 13 शतक के बूते 621 रन का स्कोर बनाया। ड्रमंड ने करियर में पहली बार ट्रिपल सेंचुरी लगाई और 439 गेंद में 300 रन की नाबाद पारी खेली। उन्होंने नॉर्थहैम्पटन शायर के खिलाफ मुकाबले में 26 चौके व 1 छक्का लगाते हुए 8.5 घंटे के आसपास बैटिंग की। वे तीसरे नंबर पर बैटिंग के लिए उतरे और आखिरी तक आउट नहीं हुए। भारत के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह भी केंट टीम का ही हिस्सा है। उनके और ड्रमंड के बीच आखिरी विकेट के लिए 19 रन की साझेदारी हुई और इसके जरिए ही इंग्लिश बल्लेबाज ने 300 रन का आंकड़ा छुआ। इससे पहले केंट के गेंदबाजों ने नॉर्थहैम्पटन की टीम को 237 रन पर समेट दिया। वेस एगर ने सबसे ज़्यादा 5 विकेट लिए, अर्शदीप को 2 विकेट मिले। दूसरी पारी में भी नॉर्थहैम्पटन टीम ने तीसरे दिन के खेल के बाद 253 रन पर 7 विकेट गंवा दिए थे। इस दौरान एक कामयाबी अर्शदीप को भी मिली, इससे टीम पर पारी से हारने का खतरा मंडरा गया। 29 साल के ड्रमंड ने 147वें फर्स्ट क्लास मैच में 13 शतक लगाया। इससे पहले नाबाद 206 रन उनका सर्वोच्च स्कोर था। नॉर्थहैम्पटन काउंटी के खिलाफ मैच से पहले उनके नाम 15 शतक और 36 अर्धशतक थे। नॉर्थहैम्पटन शायर के खिलाफ मैच में वे 5वें ओवर में ही बैटिंग के लिए उतर आए। ओपनर बेन कॉम्पटन के जाने के बाद वे खेलने आए। इसके बाद दूसरे विकेट के लिए तवांडा मुये 179 के साथ 318 रन की पार्टनरशिप की। फिर 5वें विकेट के लिए जॉर्डन कॉक्स के साथ 106 रन की साझेदारी की, तो 6ठे विकेट के लिए जो एविसन के साथ 75 रन जोड़े। ड्रमंड ने 314 गेंद में 20 चौके से दोहरा शतक लगाया। उनका शतक 178 गेंद में चौके के साथ आया। वे 2011 से केंट के साथ हैं। वे जब 17 साल के थे तब उन्होंने केंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। डेब्यू फर्स्ट क्लास मैच में पहली पारी में ही उन्होंने 103 गेंद में 80 रन की पारी खेलकर अपनी प्रतिभा का परिचय दे दिया। जब वे 7 साल के थे तब उन्होंने अंडर 10 मैच में शतक जड़ा था। इसके बाद से वे काउंटी सिस्टम का हिस्सा बन गए, केंट के कप्तान रहे और अभी इंग्लैंड क्रिकेट टीम के मैनेजिंग डायरेक्टर रॉब की ने एक समय उनके बारे में कहा था कि वह 100 टेस्ट खेलने की काबिलियत रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इतने पेशेंस से हमारी वीडियो को देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।